हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पी, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त पॉम्पी आप सबके सामने। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी गोवा की वीडियोस तो देखे ही होंगे, और मेरा गोवा का सीरीज़ अब ओवर हो चुका है। उसके बाद मैंने एक आध वीडियोस और भी अपलोड किए थे, और फिर मैंने सोचा कि उसके बाद आई विल टेक आउट सम टाइम, और आप सबसे मुझे एक दिन बहुत सारी बातें करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर फॉर मी एंड बींग देयर विथ मी। आप सबसे मुझे जो सपोर्ट और जो इनकरेजमेंट और जो इंस्पिरेशन मिली है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थिंग इज़ ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं जब से मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया था यूट्यूब पर, लेकिन शुरू में मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अपने हॉबीज़ और मेरे पैशंस के वीडियोस जो हैं, जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उसको मैं शेयर कर सकती हूँ, एंड आई कैन कनेक्ट विथ माय फ्रेंड्स फॉर विथ दैट। फिर धीरे धीरे मुझे उनसे जो सपोर्ट मिलता गया, उनसे मुझे जो उन्होंने मुझे इनक्रेज किया कि आई रियली लव टू सी योर वीडियोज़, सो प्लीज़ कीप पोस्टिंग सच वीडियोज़, तब फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि हाँ, इसी तरह से मुझे व्लॉग्स करने हैं। लेकिन तभी भी ये व्लॉग्स उतने रेगुलर नहीं होते थे। फिर इट वाज ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2019, या और यू कैन से लाइक इट वाज बिगिन ऑफ 2020, देन द पैंडेमिक केम एंड थोड़ा सा पॉज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबका लाइफ थोड़ा सा चेंज हो गया था उस टाइम पे। एंड एक पॉज के बाद फिर आई started thinking कि नहीं, अब मुझे फिर से शुरू करना है, एंड दिस टाइम आई हैव टू डू इट वेरी सीरियसली एंड नेवर टू फॉरगेट अबाउट माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। इन फैक्ट ही जस्ट पुश्ड मी एंड ही सेड कि नाउ सिंस यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स एज योर सब्सक्राइबर्स, यू कांट लुक फॉर बैक। तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छे से याद है। ही जस्ट टोल्ड मी वेरी स्ट्रिक्टली नो लुकिंग बैक, एंड ही हेल्प्ड मी टू गेट इक्विप्ड विथ ऑल द थिंग्स जिससे मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर सकूँ, अच्छा प्लान कर सकूँ व्लॉगिंग के लिए। सो इट वॉज अ बिग हेल्प, अ बिग सपोर्ट फ्रॉम हिम एज वेल। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली पुश किया है इस वजह से। सो डेफिनेटली आई ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन दोज वर्ड्स, नो लुकिंग बैक, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। एंड व्लॉगिंग के लिए जितना भी मुझे जो भी मुझे करना चाहिए, अरेंजमेंट्स एंड देन प्लानिंग, सब कुछ मैंने करना शुरू किया। एंड देन केम दिस लेटर पार्ट इन 2020 व्हेन आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द गोवा ट्रिप। एक चेंज बहुत ज़रूरी था, क्योंकि न्यू लाइफ, न्यू नॉर्मल में वापस आने से पहले मैं चाह रही थी कि मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाए, अच्छे से थोड़ा सा घूम कर आ जाएं। एंड दिस वाज द बेस्ट टाइम व्हेन आई कुड डू सम सीरियस व्लॉगिंग। तो उस टाइम पे फिर जाके आई रियली अंडरस्टूड, आई रियली रियलाइज्ड कि ये मेरे लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, हमारे लिए कितना ज़रूरी था घूमने जाना। बिकॉज यू नो, आफ्टर दिस एंटायर क्राइसिस इन 2020, नए लाइफ को, मतलब स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई वॉज टोटली वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई वॉज सो बोर्ड, द लाइफ गॉट सो मोनोटोनस, कि मेरे लिए एक नए स्टार्ट, एक नए बिगिनिंग से पहले ये बहुत ज़रूरी था। दैट्स वाई आई रियली इन्जॉयड एट माई फुलेस्ट। बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हमने वहाँ पर स्पेंड किए। बहुत ज़्यादा हम इधर उधर नहीं घूमे हैं, मोस्टली वी स्टेड देयर इन नॉर्थ गोवा बीचेज अराउंड देयर ओनली। वी हार्डली टच्ड लाइक द सेंट्रल गोवा एंड द ओल्ड गोवा। साउथ गोवा तो हम जा ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच करके आके वापस वी वेयर स्टेशन एट द नॉर्थ गोवा पार्ट। एंड बट एनी वेज, इट वॉज फुल ऑफ इन्जॉयमेंट। हमने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया इस बार, सो दैट मेंटल रिलैक्सेशन भी काफ़ी हो सके।
एंड देन डेफिनेटली यू नो दैट हाउ द व्लॉग्स केम आउट टू बी, क्योंकि एडिट करते समय भी आई वॉज फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक एंड आई एम प्रिटी श्योर ये जो अच्छे से प्रीशियस मोमेंट्स को एक जगह पे रिकलेक्ट करके हमने जो एक स्टोरी की तरह जो व्लॉग्स बनाई हैं, ये मैं खुद भी कुछ दिनों बाद फिर से मैं बैठ के देखना चाहूँगी एंड बार बार देखना चाहूँगी. ये हमारे लिए एक वर्चुअल एल्बम की तरह बन चुका है. एंड नाउ व्हेन आई एम बैक, बट आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स, नो लुकिंग बैक, एंड आई वॉन्ट टू कीप कंटिन्यूइंग दोज व्लॉग्स. आई विल ट्राई टू पोस्ट एज मेनी वीडियोज़ एज आई कैन, लाइक अगर हो सके तो मैं वीक में दो वीडियोज़ भी अपलोड करना चाहूँगी. ऑल दो ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम ऑलरेडी अ वर्किंग पर्सन, आई हैव एन ऑफिस टू अटेंड ऑन रेगुलर बेसिस, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ. हालाँकि मैं चाहती तो ज़रूर हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ. एंड आई रियली नीड बिग सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज. और हाँ, मुझे मिलता ज़रूर है. आप सब मेरे चैनल पे, आप सब मेरे दोस्त जो हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और आप सबसे मुझे पर्सनल मैसेजेस पे काफ़ी सजेशंस मिलते हैं. आप लोग मुझे अप्रिशिएट बहुत करते हैं एंड मुझे वो दिल से बहुत बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मेरे हर एक वीडियोस देखने के बाद आप मुझे बताते हैं कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा, एंड देन इफ़ यू हैव सम सजेशंस एंड हाउ यू वांट माय नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस टू बी. ट्रैवलिंग व्लॉग्स को लेके मेरे आप दोस्तों ने आपने मुझे बताया है कि अगली बार कहाँ जाएँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे कैसे वीडियोस और करने चाहिए. एंड देन सिंगिंग वीडियोस को लेके मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि आगे कौन से सॉन्ग्स वो सुनना चाहेंगे, किस तरह से वो लोग चाहते हैं. सो आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. आप सबका ये इनक्रेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट येस ऑफकोर्स मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग मेरे वीडियोज़ देखने के बाद मुझे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बताते हैं, वही चीज़ अगर आप यूट्यूब पे भी मतलब मेरे वीडियोज़ के ठीक नीचे जहाँ पे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बताएं तो शायद ये मेरे लिए थोड़ा और सपोर्ट के तौर पर काम करेगा. वाई? बिकॉज आपका जो ओपिनियन है, क्या पता शायद आपके ओपिनियंस मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दूसरे फ्रेंड्स से मैच करता हो, तो शायद उन्हें भी पता चले दैट हाउ वैल्यूएबल योर कमेंट्स आर. तो मैं चाहती हूँ कि अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट मैसेज तो ज़रूर कीजिएगा, यू आर ऑलवेज़ वेलकम फॉर दैट. साथ ही साथ प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे वीडियोज़ के नीचे वही ओपिनियंस और सजेशंस एज ए कमेंट्स आप डालिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिले, ट्रस्ट मी. और साथ में अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो यू नो दैट यू नीड टू प्रेस अ लाइक बटन. उससे क्या होता है, यू वॉन्ट बी एबल टू रियलाइज, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है उससे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. शायद एक सब्सक्राइब करने से आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, एक सब्सक्रिप्शन से मुझे स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा मिलने लगता है. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपके दोस्त और ग्रुप्स हैं जिनको आपको लगता है कि उन्हें मेरे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ आप शेयर भी कीजिए. सो जस्ट लाइक टेकिंग यू एज अ फ्रेंड, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि ये जो मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में कहती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो आई रियली मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. सो दोस्तों, आप सब मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और मुझे उतनी ही खुशी मिलती रहेगी. मैं कोशिश करूँगी मेरे हर तरह के वीडियोस आप सबके साथ शेयर करूँ. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि आप एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो क्यों नहीं करते, लाइक इफ़ यू आर गुड इनटू सिंगिंग व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू सिंगिंग व्लॉग्स, एंड इफ़ यू आर रियली अपलोडिंग नाइस ट्रैवल व्लॉग्स तो फिर आप ट्रैवल व्लॉग्स ही क्यों नहीं अपलोड करती, व्हाई आर यू लाइक कवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्टेंट्स. तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी आप सबसे एक बार कहा था, एक्चुअली आई हैव सो मेनी वर्टिकल्स इन माई लाइफ जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू डू. हम सब की ज़िंदगी में कोई एक पर्टिकुलर वर्टिकल नहीं है. हम लोगों को सिंगिंग पसंद है, हमें कुकिंग पसंद है, हमें घूमने जाना पसंद है, हमारी लाइफ में अलग अलग ओकेजन्स आते रहते हैं जैसे फेस्टिवल्स. तो व्हाई कांट वी अपलोड वीडियोस ऑन ऑल ऑफ दैट? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बंधी रहूं. मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि मैं खुद जैसी हूं, मैं बिल्कुल आप सबके सामने वैसी ही रहूं.
तो जिस दिन मुझे कोई अच्छा सा गाना गाने का मन किया उस दिन मैं आप सबसे मैं मेरी सिंगिंग ब्लॉग्स को शेयर करूँगी। जिस दिन मुझे कुछ अच्छा पकाने का मन किया उस दिन मैं आप सबसे मेरे कुकिंग ब्लॉग्स को शेयर करूँगी। जिस दिन मैं खुद कहीं बाहर खाना खाने जा रही हूँ बहुत अच्छा सा कुछ है जो इन्फॉर्मेटिव है और मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए तो वो भी मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। सो जस्ट वन थिंग आई ऑलवेज कीप इन माई माइंड कि मेरे वीडियोज़ जो भी हैं वो जितना हो सके इन्फॉर्मेटिव हो, क्रिएटिव हो, थोड़ा बहुत लाइक इट्स देयर शुड बी समथिंग, तो इतना मैं ज़रूर अपने ध्यान में रखती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद जैसी हूँ, मेरे सारे पसंद की चीज़ें, मेरे हॉबीज़, मेरे पैशंस, मैं सारी चीज़ें आप सबसे शेयर कर पाऊँ। दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको मेरा सिंगिंग पसंद है, जिनको मेरा ट्रैवलिंग पसंद है, सब मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है और सब मेरे साथ इक्वली बने रहें। सो दोस्तों प्लीज़ आप सब मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा ताकि मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती रहे आगे वीडियोज़ करने में, और मैं कोशिश करती रहूँगी टू ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूवाइज एंड गेट बेटर एट इट। सो फॉर दैट आई रियली नीड योर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट and thank you so much again for being there with me. I love you all. So take care and bye bye.